जाता है जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन जी, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये मनाया जाता है। आज हम लोग सेंटर 6 में हैं, यहाँ पर यहाँ हमारे सेंटर के इंचार्ज हैं ममता गुप्ता जी, और साथ साथ वो यहाँ टीचर की भूमिका निभाती हैं। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उनके द्वारा बच्चों को यहाँ पर बहुत सारी कलाकारी सीखने मिल रही है, सिलाई कोर्स होता है यहाँ पर, पढ़ा कोर्स होता है बेटा बेटा। और इसी क्रम में आज यहाँ पर केक काटा गया, हमारे साथ में राष्ट्रीय महासचिव मीरा चौधरी जी आई हुई हैं जो सभी सेंटर कोऑर्डिनेट करती हैं, और सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स सब ने बड़ी अच्छी अच्छी राखियाँ भी बनाई बच्चों ने। अभी रक्षाबंधन गया था, बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ बनाई है, तो इसके लिए बच्चों को आज जो है फर्स्ट सेकेंड इनाम भी दिया गया बच्चों को। और मैं तो चाहूँगा ये सेंटर हमारा खूब तरक्की करे, और आसपास में काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है तो लोगों को सीखने को मिलता रहे यहाँ पर, बल्कि कई स्टूडेंट्स ने बड़ी अच्छी उन्होंने टीचर जब एक्टिंग भी की, कुछ लोगों ने मेरी एक्टिंग की अनिल शर्मा बन करके, कुछ ने मीरा जी करी है, कुछ ममता जी करी है। तो बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूँ सबको अपने और सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर बच्चा, हर देश का नागरिक, सबकी सबसे पहले गुरु होती है माँ जो है, जिससे माँ से ही इंसान सीखता है बचपन में कैसे चलना है, कैसे खाना पीना है, किस तरह से हमें समझना है, घर परिवार संस्कार। उसके बाद स्कूल में शिक्षक होते हैं, उसके बाद कॉलेज में शिक्षक होते हैं, और इसके साथ साथ जहाँ भी कोई ट्रेनिंग्स होती है, जैसे हमारे सिलाई सेंटर चल रहा है, कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, तो इन शिक्षकों के द्वारा जो बच्चे सीखते हैं ना, बड़ी खुशी महसूस होती है मुझे इसमें। बच्चों का जो प्यार मिलता है,
सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है और हमारे टीचर्स का आशीर्वाद मिलता है बच्चों को, वही तरक्की का रास्ता बनता है उनके लिए। बहुत सारे बच्चे हमारे सक्सेस हो चुके हैं, कई जगह सैनिटाइजर बन चुके हैं, वॉलंटियर बन चुके हैं, जॉब मिल चुकी है, तो बड़ा ही सुनहरा भविष्य है। मैं तो निवेदन करूँगा जो भी टीम है, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी जिसका राष्ट्रीय कार्यालय मिठापुर के अंदर में है, 5 ब्रांचेस दिल्ली के अंदर में है, 1 फरीदाबाद में है, इससे जुड़ करके गरीब और कमज़ोर माताओं बहनों बेटियों की मदद जरूर करें। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, तो उसी भूमिका हम आगे बढ़ाते हुए चाहते हैं हर बहन बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो सके, इसी क्रम में हम गतिविधि करते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक दिवस के मौके पे क्या कुछ कहना चाहती हैं आप, जरा बताइए। जी, मैं सबको शिक्षक दिवस की बधाई देना चाहती हूँ, हैप्पी टीचर्स डे सभी को। मुझे ये संस्था चलाते हुए 8 से 9 महीने करीबन हो चुके हैं। मैं यहाँ 10 से 20 लोगों को यहाँ सिलाई सिखा रही हूँ, पार्लर मेहंदी सब चीज़ का कोर्स करवा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छा सिखाऊँ, कि बच्चे यहाँ आए मेरे पास सीखे, मैं इससे अच्छा आगे और बढ़ाना चाहती हूँ इस संस्था को। मेरे को अभी ज़्यादा टाइम से जुड़ी हुई हूँ, पर यहाँ जो फरीदाबाद के अंदर चल रहा है वो 8 से 9 महीने के अंदर अंदर अभी चल रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ चलते हुए। सिलाई के अलावा मैं यहाँ पार्लर मेहंदी स्टिचिंग वगैरह करती भी हूँ, मैं सिखाती भी हूँ, दोनों काम करती हूँ मैं यहाँ बच्चों के साथ, करके भी दिखाती हूँ कुछ कुछ काम बच्चों को, जो चीज़ बच्चों को नहीं आ रहा है वो मैं खुद से भी करके दिखाती हूँ बच्चों को।